घटना घटित हुआ है और यहाँ लोग धमकी दे रहा है, आप इमीडिएट यहाँ पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था बनाइए। और कोई भी घटना घटित होगा तो ये आपकी जिम्मेवारी अब होगी। कोई भी अपराधी क्रिमिनल किसी के घर में घुसा, धमकी दिया या मारपीट किया, ये अब आपकी जिम्मेवारी होगी। हम सुशासन की बात करते हैं, आज बेचारी वो बच्ची अंदर में रो रही है सिसक सिसक करके। ये डीजीपी तो सबसे ज्यादा डीजीपी कमजोर और कायर है, जो न्याय नहीं दे सकता है, जो कई मामले में खुद आरोपित रहा है। एक शरीफ की लड़ाई विजय सिन्हा लड़ेगा। दुर्भाग्य है, जब हम एसपी से आज बात किए, कहा कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है। पूरे बिहार के अंदर ये लड़ाई शुरू हो गई है, ये अपराधी और शैतान का मनोबल हर हाल में तोड़ेंगे। थाना प्रभारी को अरविंद कुमार, अरविंद महिला 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 थाना प्रभारी है, यहाँ का थाना प्रभारी कहाँ कि हम आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बलात्कार की घटना घटित हुआ है और यहाँ लोग धमकी दे रहा है, आप इमीडिएट यहाँ पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था बनाइए। और कोई भी घटना घटित होगा तो ये आपकी जिम्मेवारी अब होगी। अगर जो किसी के घर में कोई घुसा, कोई भी अपराधी क्रिमिनल किसी के घर में घुसा, धमकी दिया या मारपीट किया, तो ये अब आपकी जिम्मेवारी होगी। आप देख लीजिए, आकर के एक बार मिल लीजिए, इतनी बड़ी घटना घट गई हमारे क्षेत्र में। चला धिक्कार है इसी राजनीति को हमको। नहीं नहीं, आपके यहाँ कौन एगो है, क्या नाम बताए थे जी, जो भगा दिया था? प्रमोद कुमार हरेंद्र करके कोई है, ये लोग को भगा दिया और धमकी दिया सबको। प्रीति मैडम हमको कैसे लिया? तो बताइए, सब यहाँ गांव के लोग प्रीति मैडम का नाम ले रहा है, कुआ करके केस लिया है। ये भ्रष्ट पदाधिकारी थाना के अंदर नहीं रहे, ये आपकी भी जिम्मेवारी है। अच्छे लोग को रखिए कम से कम। थाना कहाँ के लिए बंद है? देखिए उस हरेंद्र को कैसे वो भ्रष्ट पदाधिकारी इस तरह से, बताइए, किसी की इज्जत, बहू बेटी की इज्जत उठा रही है, वो इस तरह के असंवेदनशील आदमी क्या बात करता है। आप देख लीजिए, सबका आके एक बार घूम करके मिल लीजिए, किसी का कोई तंग नहीं करे। दुखद और दुर्भाग्य है, जब हम एसपी से आज बात किए, कहा कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है, और एसपी कहा कि हमको जानकारी नहीं है। हम कहे आप पता करिए, हमको कल ही पटना में फोन किया है यहाँ से कार्यकर्ता, और मैं इसीलिए सफर करके आया, हमारी मीटिंग थी, हम छोड़ के आए। इसी तरह के एक घटना चानन का भी रो करके, ये क्या हो रहा है जिले के अंदर? इस तरह के भ्रष्ट पदाधिकारियों की जमात को स्थापित कर देते हैं, थाना में माल वसूलने वाले और माल देने वाले लोगों की जमात को लखीसराय में भर दिए। यही घटना जब विधानसभा में उठाए, आज तक अपराधी जो मूल था उसका गिरफ्तारी नहीं होना। और मुख्यमंत्री जी सुशासन की बात करते हैं, आज बेचारी वो बच्ची अंदर में रो रही है सिसक सिसक करके, उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा कौन रखे? किसी की माँ बहन बेटी होगी और उसके साथ इस तरह की घटना घटेगी? धिक्कार है इसी राजनीति को, और धिक्कार है इसे राजनेताओं को जो सत्ता में बैठे हुए हैं। इसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसे लोगों को हम चैन से नहीं बैठेंगे। पूरे लखीसराय के अंदर में इस तरह के कई घटनाएं हो रही है, थाना प्रभारी जाता है भगा देता है, अपराधियों के साथ मिलकर के, ये तमाम माफियाओं के साथ मिलकर के कई घटना को दर्ज नहीं करता है, निर्दोष लोग को हमेशा परेशान करके भगाता है, डराता है। ये घटना नहीं चलेगी, इस मामला को लेके पूरी गंभीरता के साथ हम लोग बात भी करेंगे डीजीपी से। और इमीडिएट ये एसपी, जिसको पता तक नहीं है, ये कह रहा है कि कोई घटना नहीं हुआ, अभी आने के समय भी कहा कि जांच में रिपोर्ट आया है कि रेप नहीं हुआ, जब उसका पत्नी, उसका परिवार, पति है या बैठा हुआ कर रहा, सारा परिवार कर रहा, उसकी बच्ची रो रही है, और इस तरह के घटना को छुपाना तो अपराधियों का मनोबल बढ़ाना है, पापियों को एक तरह से उत्साहित करना है। ये किसी जाति का मामला नहीं, ये
सराफत और शैतान की लड़ाई है और शैतान को खत्म हमने किया है उस समय भी और आज भी शैतान के विरुद्ध में लड़ेंगे। पूरे बिहार के अंदर ये लड़ाई शुरू हो गई है, ये अपराधी और शैतान का मनोबल हर हाल में तोड़ेंगे। तो अब पुलिस तो FIR कर चुकी है सर, पहले बोली कि नहीं किए, कोई घटना ही नहीं है, लेकिन अब तो पता चला है कि FIR की है पुलिस ने। अब आज हमारी बात हुई है SP से और उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना ही नहीं हुआ, जब कहे तो कहा कि हाँ सर एक पता करते हैं। ये क्या मजाक हो रहा मेरे क्षेत्र के अंदर? बदले की भाव से लखीसराय में अगर जो दहशत में हमारे लोगों को लाने का प्रयास करेगा या शरीफ इंसान को तंग करेगा तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और ये बता देना चाहता हूं कि आपकी जितनी ताकत है, मैं विधानसभा अध्यक्ष के नाते भी एक गौतम महतो के मामला में सदन में मुख्यमंत्री से भिड़े थे। एक शरीफ की लड़ाई विजय सिन्हा लड़ेगा और विजय सिन्हा जैसे लोग हर समाज में अच्छे लोगों की एक बड़ी जमात है, वो लड़ाई लड़ेगा इस पापी और अपराधी के विरुद्ध में। सर कल CM ने DGP के साथ अपराध को लेकर, अरे वो आई बात से खाना पूर्ति है। ये DGP तो सबसे ज्यादा DGP कमजोर और कायर है, जो न्याय नहीं दे सकता है, जो कई मामले में खुद आरोपित रहा है।